गुजरात से उठे चक्रवाती तूफान ने फरीदाबाद को किया जलमग्न। बेमौसम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सड़क हुई तालाब में तब्दील। चक्रवाती तूफान ताऊते के कहर से फरीदाबाद भी बेहाल हो गया है। जिले की सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बिना मौसम की बारिश से जब ये हाल हो गया है तो आने वाले बारिश के मौसम में फरीदाबाद की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इस बेमौसम बारिश ने जहां नगर निगम की पोल खोल दी है वहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर इसके स्मार्ट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। ये पहली तस्वीर जिसमें सड़क ही तालाब में तब्दील हो गई है और ये शहर का सबसे पॉश इलाका सेक्टर 15A है जहां शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के निवास स्थान भी हैं। दूसरी तस्वीर जिले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की है जहां लोगों की समस्या से निजात करने के लिए वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है, लेकिन लोग कैसे आए जब चारों ओर पानी ही पानी है। तीसरी तस्वीर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की है। जितनी दयनीय हालत है यहां बारिश को बंद हुए 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जस के तस पानी यहां पर खड़ा हुआ है। अब ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि फरीदाबाद के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में लगभग 600 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन सूरते हालात आज भी 20 साल पुराने हैं। इस बेमौसम बारिश ने जहां नगर निगम की पोल खोल दी है तो वहीं आम लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं कि अभी ये हाल हुआ है तो आने वाले बारिश के मौसम में क्या होगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।